तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन TOWJE के 5 साला अंतक मेहनत और कोशिशों के बाद रियासत भर के तमाम उर्दू अखबारात, सेटेलाइट उर्दू टीवी चैनल्स और उर्दू सहाफियों को हाईकोर्ट की जानिब से इंसाफ मिला है, जो कि खुशाइन बात है। इन ख्यालात का इजहार TOWJU जिला सदर अब्दुल अलीम ने मीडिया बयान जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफियों के मौसर नुमाइंदगी को लेकर मुनफरिद पहचान रखने वाली मुल्क की वाहिद उर्दू ट्रेड यूनियन TOWJU साल 2019 में GO 239 को चैलेंज करते हुए अदालत आलिया में एक मुकदमा दायर किया था, ताकि रियासत भर के तमाम उर्दू सहाफियों, उर्दू अखबारात और सेटेलाइट उर्दू टीवी चैनल्स को इंसाफ मिल सके। तंजीम ने हाईकोर्ट में इस मुकदमे को जीत लिया है, जिसका बड़ा फायदा बिलखसूस अजला के उर्दू रिपोर्टर्स को होगा, जो कि एक्रीडिटेशन कार्ड्स ना मिलने से हुकूमत की मुरायतों से महरूम होते जा रहे थे। इस जीवन में TOWJU जिले आदिलाबाद के जिम्मेदारान शफीक अहमद अतर, अब्दुल अलीम, मोहम्मद अकबरुद्दीन व दीगर ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाते हुए मसरत का इजहार किया और तंजीम के तमाम मरकजी जिम्मेदारान बिलखसूस सरपरस्त आला साजिद मेराज साहब, साबिक सदर तंजीम अतर मोइन साहब, सदर TOWJU शुजाउद्दीन इफ्तिकारी साहब, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती रईसुद्दीन कासमी साहब के अलावा उन तमाम मेम्बरान का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई में साथ देकर रियासत के तमाम उर्दू अखबारात, सेटेलाइट उर्दू टीवी चैनल्स और उर्दू सहाफियों को इंसाफ दिलाने में ताउन किया है। जिला सदर अब्दुल अलीम ने कहा कि TOWJU रोजे अव्वल से ही ना सिर्फ उर्दू रिपोर्टर्स बल्कि उर्दू टीवी चैनल्स और अखबारात के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर फिक्रमंद है। इन तमाम के मसाइल की एक सुई और इंसाफ दिलाने के लिए अमली तौर पर मैदान में अंतक मेहनत कर रही है, जिसके साबिक में भी समरावर नतायज हासिल हुए हैं। तहम अफसोस इस बात का है कि चंद उर्दू सहाफियों ने इंसाफ की लड़ाई में साथ देने के बजाय अपने मफाद की खातिर ओहदों की लालच में आकर यूनियन को बीच अधूरा छोड़कर किसी दूसरे तंजीम का दामन थाम लिया। बावजूद इसके TOWJU के बाहिम्मत व हरकियाती जिम्मेदारान ने बगैर किसी गिला शिकवे के अमली मैदान में रहकर इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल की, जिसका फायदा रियासत के तमाम उर्दू सहाफी बरादरान को होगा। इस मौके पर TOWJU जिले आदिलाबाद के जिम्मेदारान अब्दुल अलीम, शफीक अहमद अतर, मोहम्मद हिमायतुल्ला असगर, मोहम्मद अकबरुद्दीन, मोहम्मद काशिफ जमील, मुतीउर रहमान मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन है, जो गुज़िश्ता 5 साल से उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया था, जहाँ पर कल कामयाबी हासिल हुई है। इसी ज़मन में आज हम यहाँ पर जमा होकर मसरत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि हमको इन तमाम उर्दू सहाफ़ियों को रियासत तेलंगाना के एक बेहतरीन मौका मिला है कि पिछले दौर में जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको ख़त्म किया जा सके। GO 239 को लेकर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने अदालत आलिया में चैलेंज किया था, जिसकी कल कामयाबी मिलने के बाद रियासत भर के तमाम सहाफ़ियों में जोश और खरोश का माहौल देखा जा रहा है। और हम तमाम उन मरकजी जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर करते हैं, जिन्होंने रियासत के तमाम उर्दू सहाफ़ियों का ख्याल रखते हुए 5 साल तक अंतक मेहनत और जद्दोजहद के साथ इस केस के इस मुकदमे की पैरवी की और उसको कामयाबी के साथ हमकिनार किया। फिर आखिर वो दिन आ ही गया कि आज GO 239 के तहत जो पाबंदियाँ आयद की गई थी उसमें नज़रसानी करते हुए मुफस्सिर यानी रूरल सतह पर उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन नहीं दिए जा रहे थे, अब उसके अंदर आसानी पैदा हो गई और काबिल मुबारकबाद है रियासती टीम, बिलखसूस सदर जनाब, सदर के साथ सबसे पहले तो मैं सरपंच और बानी जनाब अतुल मोइन साहब और उसके साथ साथ हमारे सदर जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब और उसी तरीके से इस कानूनी इमदाद और कानूनी ताउन और माविन के ऐसे से जिस जिम्मेदार ने काम किया है तो माशाल्लाह वो भी खुद PhD की हैं लामे। मेरी मुराद जनाब साजिद मेरा साहब से है, उनसे मैं आदिलाबाद यूनिट की तरफ से फर्दन उनसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।